दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल VS रियल फैन में। आज की इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे सूरत से लेके मनमाड़ तक नया मार्ग के बारे में। आपको बताएंगे इस रूट बन जाने से सूरत से लेके मनमाड़ जाना होगा आसान, साथ ही इस रूट से जो है दूरी घटेगी। चलिए दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं। सबसे पहले आपको बता दे रहे हैं सूरत रेलवे स्टेशन का रूट। सूरत से जो इधर रेलवे लाइन जा रहा है, ये वाला रेलवे लाइन ये जा रहा है वडोदरा की तरफ। आगे इस रेलवे लाइन से या तो आप अहमदाबाद की तरफ जा सकते हैं या रतलाम होते कोटा की तरफ जा सकते हैं। सूरत से जो इधर रेलवे लाइन जा रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो आप जा रहा है आपको उधना जंक्शन की तरफ। उधना जंक्शन से सीधे रेलवे लाइन जो चला जाएगा ये जाएगा वापी की तरफ। आगे इस रेलवे लाइन से मुंबई जा सकते हैं या पुणे की तरफ जा सकते हैं। सूरत से जो आगे ये उधना जंक्शन है, उधना जंक्शन से जो इधर रेलवे लाइन जा रहा है ये जा रहा है भुसावल की तरफ। और उधना जंक्शन से पहले यहाँ पर बनाया गया है बाईपास। तो नया मार्ग जो होगा वो आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे। पहले आपको जो मौजूदा रूट है सूरत से लेके मनमाड़ तक का वो आपको बताते हैं। सूरत से हम लोग उधना जंक्शन की तरफ आएंगे, उधना जंक्शन से फिर हम लोग नंदुरबार की तरफ चलेंगे। ये रेलवे लाइन डबल लाइन है, इस पर रेल इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट कर लिया गया है। इस रूट से जब हम आगे बढ़ते जाएंगे नंदुरबार स्टेशन आएगा। नंदुरबार से जब हम आगे बढ़ेंगे इस रूट पर, तो ये रेलवे लाइन यहाँ से ये जो स्टेशन है नरदाना, यहाँ से नया मार्ग बन रहा है। तो पहले जो मौजूदा रूट है आपको सूरत से लेकर के मनमाड़ तक का वो बताते हैं। अभी मौजूदा समय में दो ट्रेन सूरत से जो मनमाड़ जाती है, तो वो आपको ट्रेन आती है जलगांव जंक्शन। जलगांव में ट्रेन का लोको रिवर्स होता है। लोको रिवर्स होने के बाद जलगांव से ट्रेन फिर वो आती है आपको मनमाड़ जंक्शन के पास। ये मनमाड़ है, मनमाड़ से वो ट्रेन आगे चली जाती है। आप लोग कमेंट करके बताएं वो कौन सी महत्वपूर्ण ट्रेन है सूरत से मनमाड़ आती है। दो ट्रेन है, अब आप लोग कमेंट करके बताएं कौन कौन सी ट्रेन सूरत से मनमाड़ की ओर आती है। तो चलिए वापस से हम लोग चलते हैं सूरत के पास। सबसे पहले आपको बता दे रहे हैं जिधर से अभी हम लोग जलगांव होकर के गए, इधर से कुल 470 किलोमीटर लंबा रेल लाइन है। और नया मार्ग जब बनेगा तो इसकी दूरी घटेगी। तो चलिए आपको नया मार्ग दिखाते हैं, जिसमें सूरत से लेकर के उधना होते हुए नंदुरबार होते हुए इस रूट पे हम आगे बढ़ेंगे, तो आपको नरदाना तक जो है सेम रूट रहेगा। नरदाना से जो है ये नया मार्ग बन रहा है। इस नया मार्ग से ट्रेन आने वाले समय में सीधा मनमाड़ जंक्शन आएगी। ये रूट बन जाने से लोको रिवर्स नहीं होगा और आसानी से सूरत से मनमाड़ की ओर ट्रेन आ सकती है। तो ये कुल जो नया मार्ग है ये कुल आपको 125 किलोमीटर लंबा रेल लाइन बन रहा है मनमाड़ से लेकर के। यहाँ पर देखिए बोर विहार है, बोर विहार से लेकर के नरदाना, ये टोटल सेक्शन जो है 125 किलोमीटर लंबा कंस्ट्रक्शन नया रेल लाइन बनेगा। ये नया मार्ग बन जाने से मनमाड़ से लेकर के बोर विहार होते हुए नरदाना तक 125 किलोमीटर लंबा रेल लाइन, तो आपको सूरत से लेकर मनमाड़ की जो दूरी है मात्र 452 किलोमीटर रह जाएगी। साथ ही आपको ट्रेन जो है लोको रिवर्स से भी बचेगी। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।